दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों किशोरावस्था में आते ही लड़कियों में कई एक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और यही बदलाव उनकी जिज्ञासा की मुख्य वजह बन जाते हैं, क्योंकि टीन एज में कदम रखते ही लड़कियां लड़कों की ओर आकर्षित होने लगती हैं। वहीं उनके मन में आकर्षक और सुंदर दिखने की चाहत भी जागृत हो जाती है, किंतु कई बार उनकी यही जिज्ञासा उन्हें गलत दिशा में भी ले जाती है। इसीलिए हर एक पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपनी इस उम्र की लड़कियों पर कुछ विशेष ध्यान अवश्य दें। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों टीन एज में कदम रखते ही लड़कियां लड़कों की ओर आकर्षित होने लगती हैं और प्यार के विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करने की कोशिश करने लगती हैं। यहाँ तक कि लड़कों को रिझाना, आकर्षित करना और सजना सवरना भी शुरू कर देती हैं। इसके साथ साथ मेकअप करना, अपने बालों, नाखून, चेहरे, हाथ पैर पर भी कुछ विशेष ध्यान देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इसी उम्र पर कदम रखते ही उनके मन में आकर्षक और सुंदर दिखने की चाहत जाग जाती है और उनके मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें किसी लड़के से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, यहाँ तक कि उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेने की सोच रखने लगती हैं। 2nd, दोस्तों टीन एज में कदम रखते ही लड़कियों का लड़कों से प्यार करने का मन करने लगता है। इसके अलावा किस करने से क्या मिलता है, डीप लव करने पर कैसा लगता है और आखिर लोग छिप छिप कर इसे क्यों करते हैं, इसलिए इस विषय पर भी बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा रखती हैं और कई बार उनकी यही जिज्ञासा उन्हें गलत दिशा में ले जाती है। इसीलिए इस उम्र की लड़कियों पर उनके माता पिता को कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 3rd, दोस्तों टीन एज में कदम रखते ही लड़कियों में मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उन्हें खुद में कई एक बदलाव देखने को मिलने लगते हैं, यानी कि उनमें नारी तो आने लगता है। इसीलिए उनके मन में इन बदलावों को लेकर कई एक विचार और जिज्ञासाएं चलने लगती हैं और उन्हीं बदलावों के बारे में जानने की इच्छा भी उन्हें होने लगती है, किंतु जब उन्हें इस विषय पर सही जानकारी मिलने की बजाय गलत जानकारी हासिल हो जाती है तो वे रास्ते से भटक जाती हैं और कई एक तो गलत कदम उठा भी लेती हैं, क्योंकि इस उम्र की लड़कियों की ओर लड़के भी कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होने लगते हैं और उनसे दोस्ती करने की इच्छा या उन्हें पटाने की इच्छा करने लगते हैं। यदि उनकी सही से देखरेख नहीं की जाती, उन्हें सही शिक्षा नहीं दी जाती, तो इसी उम्र की लड़कियां गलत रास्ते पर तुरंत चली जाती हैं। 4th, दोस्तों टीन एज में आते ही वास्तव में लड़कियों के चेहरे पर निखार आना शुरू हो जाता है, वे कुछ अलग से सुंदर दिखने लगती हैं, इसीलिए लड़के भी उनकी ओर कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होने लगते हैं, जिसके कारण उनके मन में एक विचार आने लगता है कि आखिर इतने लड़के उन्हें क्यों देखते हैं, उन्हें क्यों घूरते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी लड़की की संगत गलत हो जाती है तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद होते देर नहीं लगती, क्योंकि इस उम्र की लड़कियों को अपने अच्छे बुरे का भी इतना ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक कि गलत दिशा में कदम बढ़ाने से पहले न ही वे किसी अंजाम के बारे में सोचती हैं, न ही अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं, क्योंकि इस उम्र के लड़के लड़कियां आकर्षण जुनून को ही अपना प्यार समझ बैठते हैं। इसके अलावा इसी उम्र पर लड़कियां सतरंगी सपने देखना शुरू कर देती हैं और उनके सपनों के पंख भी निकल आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इन पंखों की उम्र ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सपनों के पंख तो कभी भी टूट सकते हैं। 5th, दोस्तों इस उम्र की लड़कियों के मन में आजकल की फुहड़ फिल्मों और सीरियल का भी बुरा असर पड़ता है, इसीलिए वे फिल्मी दुनिया से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित रहती हैं, जिसके कारण इस उम्र की लड़कियां रोमांटिक मूवी और सीरियल देखना शुरू कर देती हैं और आजकल की फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है वही वे असल जिंदगी में भी करने का विचार बना लेती हैं या वही सब देखकर खुद भी करने का मन करने लगती हैं। इसलिए हर माता पिता को अपने इस उम्र के बच्चों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। 6th, दोस्तों इस उम्र पर आते ही लड़कियों में नखरे आ जाते हैं, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देती हैं, अपनी अदाओं का जादू चलाना सीख लेती हैं, यहाँ तक कि
उन्हें कई लड़के देखते या घूरते हैं या पटाने की कोशिश करते हैं तो लड़कियों को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड भी होने लगता है और तभी उन्हें अपनी सुंदरता का पता भी लगता है कि वे कितनी सुंदर हैं। ऐसी स्थिति में वे दर्पण से भी बातें करना शुरू कर देती हैं, किसी लड़के के साथ अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर बेचैन भी होने लगती हैं। यहाँ तक कि जो लड़कियां इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहती हैं, ऐसे में वे प्यार से संबंधित जानकारी जुटाते समय कुछ उल्टी सीधी सामग्री भी उन्हें देखने को जब मिल जाती है, जिसके चलते उन्हें इन्हीं चीजों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगता है और वैसा खुद करने का मौका भी तलाशने में जुट जाती है।